हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही स्पेशल एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मैं फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग नॉन गियर साइकिल को गियर साइकिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या पार्ट्स की आवश्यकता होती है और हमें कैसे उसको कन्वर्ट करना है। सारा सेटिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ और आपको क्या क्या जरूरत है नॉन गियर को गियर में बदलने के लिए, मैं वो भी एक एक करके आपको पास पूरा दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या नीड पड़ेगी गियर साइकिल बनाने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से फ्रेंड्स प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक नॉन गियर साइकिल है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जो मैंने साइकिल लिया हुआ फायरफॉक्स कंपनी का, ये साइकिल आपका पूरा नॉन गियर है। तो इसको हम लोग बताएंगे कि इसमें हम लोग कैसे नॉन गियर को गियर साइकिल में बदल सकते हैं और इसका क्या क्या जरूरत पड़ता है। फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब में आपको ये वीडियो ऐसा नहीं बताया गया होगा, बहुत ही सिंपली तरीका है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक नॉन गियर साइकिल में गियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या पार्ट्स की जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो मैं यहाँ पे पार्ट्स रखा हूँ इसके बारे में मैं करके बता देता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट्स है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 7 स्पीड गियर के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ 7 स्पीड के गियर के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे 7 स्पीड का गियर आपको बनाना हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा पार्ट्स का। एक 7 स्पीड का फ्रीव्हील जो कि मैंने शिमानो कंपनी का लिया हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीव्हील है। साथ ही साथ आपको एक लेना होगा चैन, जो कि आपको इसका चैन काफ़ी लंबा चैन आते हैं 7 स्पीड के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक लेना होगा शिफ्टर, जो कि ये हैंडल में लगेगा, ये आपके गियर को शिफ्ट करती है। उसके साथ आपको गियर वायर होना मस्ट है। गियर वायर के साथ अगर फ्रेंड्स एक आपको केबल लेना होगा जो कि इसके अंदर से आपको इनमोल्ड करनी है गियर वायर को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक लेना होगा डिलेलर, इसको मैं डिलेलर बोलते हैं, जो कि मैं शिमानो कंपनी का टर्निंग मॉडल का लिया हुआ हूँ। ये आपका डिलेलर चैन को शिफ्ट करती है फ्रीव्हील पे। उसके बाद फ्रेंड्स एक मेन पॉइंट्स आता है एक्सल, जो कि आपको 7.5 इंच का एक्सल एक लेना होगा। ये आपको एक्सल काम आएगा बैक व्हील में, ये आपका काम आता है, जो कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्सल दिया हुआ है ये काफ़ी छोटा दिया हुआ है, ये एक्सल से आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक्सल एक लेना पड़ता है, जो कि 7.5 इंच का एक्सल होना चाहिए, तभी आप गियर को पूरी तरह से सेट कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि गियर को हम लोग कैसे इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि ये चीज़ आपको पूरे चक्के को बाहर निकालना होगा, इस एक्सल को खोल के। उसके बाद आपको यह एक्सल इनमोल्ड करनी होगी इसके अंदर। इनमोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये दोनों बराबर में रखना होगा, ताकि आपका व्हील हो जो हो प्रॉपर वे में आपको बैठे, ये दोनों का डिफरेंस देख कर आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद आपको इधर साइड से टाइट करने के बाद इधर आपको फ्रीव्हील डालनी है, फ्रीव्हील डाल के फिर आपको इसको टाइट करना है। टाइट करने के एडजस्ट करने के बाद फिर आपको डिलेलर सेट करना है, ये डिलेलर आपको सेट होगा। डिलेलर सेट करने के बाद आपको फिर आएगा चैन, चैन सेट करना होगा, जो कि आगे का व्हील आपका यही रहेगा, सिर्फ ये चैन आपका खुल के चेंज हो जाएगा, ये चैन को चेंज कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एक आता है शिफ्टर, जो कि आपको राइट हैंड पे लगेगी, ये शिफ्टर ही आपको शिफ्ट करेगा, पूरा वायर आपका जो है नीचे से इन्वॉल्व होके चला जाएगा शिफ्टिंग के लिए। बस इतना ही काम करना है फ्रेंड्स एक गियर साइकिल अभी करने में। एक मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, जो कि हालांकि लोग गियर चेंज करते हैं नॉन गियर साइकिल में, लेकिन आप देखते होंगे ज्यादातर कि आपका साइकिल सक्सेस नहीं हो पाता। उसका रीजन भी है फ्रेंड्स कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गौर से देखिएगा इसके बारे में फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये जो फ्रेम साइज है आपका, हम लोग क्या करते हैं कि इसको नहीं बढ़ाते हैं। ये जो आपका फ्रेम साइज है फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग नहीं फैलाने की वजह से क्या होता है कि ये जब हम लोग गियर को लगाते हैं तो गियर लगाने से में क्या करता है कि ये ज़्यादा उस गियर को चापता है, जिसकी वजह से गियर चेंज करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो हम लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना है कि इसको जितना हो सके थोड़ा फैला ले, उसको अपने
फ्रीविल के अनुसार कि जितना फ्रीविल जगह ले रहा हो उसके अनुसार। अगर ये नहीं फैल रहा फ्रेंड्स तो इसको जबरदस्ती नहीं करना, आपको गियर नहीं लगाना है। बहुत से ऐसे होते हैं जो गियर लगाने के बाद गियर सक्सेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप का टूल्स आपको सारा लेना हो तो आपको ये लगभग में अगर लेना हो तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लेना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने जो पार्ट लिया है आपका टोटल देखा जाए तो 5 सामान है फ्रेंड्स। ये 5 सामान आपको टोटल लेना होगा जिसका कॉस्टिंग लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आता है, तभी आपका गियर बहुत अच्छा सक्सेस करेगा। हम लोग क्या करते हैं जनरली नॉर्मल मार्केट दुकान से कोई खरीद लेते हैं आपका लगभग 2,000-2,500 में खरीद लेते हैं, वो आपका गियर सक्सेस नहीं करेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स अगर नॉन गियर साइकिल में अगर आप इतना सारे टूल्स लगाते हो तो आपको बढ़िया एक रिजल्ट मिलेगा। हालांकि इतना लगाने से बढ़िया है कि आप पुराने साइकिल को सेल आउट करके आप एक नया साइकिल गियर का परचेस कर लोगे तो आपका प्रॉपर सोल्यूशन होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो फ्रेंड्स आपको इतना सारा पार्ट लेना होगा और उसको अच्छे तरीके से करना होगा। सबसे मैटर चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो फ्रेम का साइज है वो प्रॉपर है कि नहीं गियर सेट के लिए, तभी आप गियर पे हाथ लगाएं वरना गियर सेटिंग ना करें। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज तक का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।